नमस्कार, मैं हूँ रेनू भाटिया। न्यूज हब भारत में आपका स्वागत है और हम दिखाते हैं सच और देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। शिक्षा में अवसर भी हैं तो चुनौती भी हैं। आज महिला महाविद्यालय किदवई नगर के तत्वाधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को डॉक्टर रश्मि चतुर्वेदी ने सृजित किया। कार्यक्रम में NCERT नई दिल्ली के प्रोफेसर ऋषिकेश, लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व डिप्टी प्रोफेसर एम वर्मा, कानपुर विश्वविद्यालय की VC नीलिमा गुप्ता आदि थीं। डॉक्टर रश्मि चतुर्वेदी ने इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में शिक्षा के विकास, समता, समानता एवं सामाजिक एकता के तथ्यों को विशेष तौर पर प्रमुखता से रखा। वाली आज ये जो आपने वेबिनार किया है, किस लिए किया है? देखिए, 34 साल के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनके तैयार हुई है और जिसमें ये वीडियो कनेक्शन, जिसमें बहुत सारी नई शिक्षा का रोड मैप तैयार किया गया है। तो हम सब शिक्षाविदों का ये कर्तव्य है कि विचार करें कि उसमें क्या क्या गवर्नमेंट ने नीतियाँ लेके आई है और नीतियों में हमारे कॉलेज का, हमारे महाविद्यालयों का, विश्वविद्यालयों का क्या योगदान हो सकता है और कैसे हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को अपनी तरह से पूरा कर सकते हैं। इसमें आत्मनिर्भर भारत की बात की गई है, इसमें 4 साल के डिग्री कोर्स की बात की गई है, इसमें डिग्री कॉलेज को स्वायत्तता देने की बात की गई है, इसमें डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स को 1 साल 2 साल 3 साल में सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स करके बाहर निकलने की आज़ादी दी गई है, इसमें वैल्यू एजुकेशन की बात की गई है, इसमें चरित्र निर्माण की बात की गई है। तो इतनी बढ़िया शिक्षा नीति बनकर तैयार हुई है, तो इस पर ही चर्चा करने हेतु हमने विशेषज्ञों को बुलाया है, जिसमें एक पूर्व कुलपति हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर MR वर्मा हैं, एक अलगप्पा यूनिवर्सिटी तमिलनाडु से डॉक्टर सेंथिल कुमार हैं, NCERT के डायरेक्टर प्रोफेसर सेनापति जी हैं, ऋषिकेश सेनापति जी हैं। वो लोग अपने अपने विचारों को स्पष्ट करके इस शिक्षा नीति के सारे आयामों को स्पष्ट करेंगे, जिससे हम सब लोग उसको अमल करने में समर्थ हो सकते हैं। कार्यक्रम की ऑर्गेनाइजिंग प्रेसिडेंट डॉक्टर BR अग्रवाल, जो स्वयं कॉलेज की प्राचार्या भी हैं, उन्होंने व्यक्तित्व के चतुर्मुखी विकास पर जोर दिया। अंकित मिश्रा के साथ अजय पत्रकार की रिपोर्ट, न्यूज हब भारत, कानपुर।